आज के समय में सभी नौकरी छोड़ बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आप अपने खुद के मालिक होते हैं, किसी और के नीचे आप काम नहीं करते। यही सोच रखते हुए लोग अपने खुद का बिजनेस और काम शुरू कर रहे हैं। उन्हीं कामों में से एक है पानीपुरी का ठेला। पानीपुरी का ठेला, पानीपुरी या फिर गोलगप्पा एक ऐसा स्ट्रीट फूड है जिसकी टपरी आपको कदम कदम पर देखने को मिल जाएगी। शहर ही नहीं, गाँव में भी पानीपुरी के ठेले आपको मिल जाएंगे। इन टपरी वालों को देख कर मन में कई बार सवाल आता है कि आखिर ये लोग कमाते कितना होंगे और इनको बचता कितना होगा। भले ही पानीपुरी या गोलगप्पे का ठेला लगाकर ज़्यादा पैसे ना कमाया जा सके, हालांकि इसकी कमाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। विदिशा के रहने वाले वीरेंद्र कुशवाहा कई सालों से फुल्की का ठेला लगा रहे हैं। वीरेंद्र कुशवाहा का कहना है कि वह पहले स्टेशन के पास एक दुकान पर काम करते थे। उनको महीने के 7,000 रुपये मिलते थे, जिससे उनको घर चलाने और बाकी कामों में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी। अच्छा, आपको ये आइडिया कैसे आया ठेला लगाने का? मैं स्टेशन पर काम कर रहा था, कानपुर चाट भंडार वालों के साथ। कानपुर के रहने वाले थे, मुझे काम कर रहा था। मैंने 7-8 साल काम किया, वो दे देते मुझे 7-8 हज़ार। खुद का क्या है, धन नहीं चल रहा था। क्या था, फिर एक आइडिया आया, मुझे अपना खुद का बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस डाला। धीरे धीरे यहाँ पे लगा के लगा के एक जिला। अरे क्या क्या आप बनाते हैं? मैं बनाता हूँ चाट, अंडा अच्छा। जैसे मैं आप पहले नौकरी करते थे आठ दस हज़ार, कैसे चलता था आठ दस हज़ार? अच्छा, और अभी यहाँ पर मतलब महीने के कितने कमाओगे? 40-45 हज़ार। और ग्राहक आपके यहाँ कहाँ कहाँ से आते हैं? भोपाल से भी आते हैं, भैंस आते हैं, रायसेन के हैं, सागर शहडोल और दिल्ली से भी आते हैं। क्या क्या आप बनाते हैं स्पेशल? स्पेशल चाट बनाते हैं, मतलब तेल की ऐसी बनाते हैं, घी की बनाते हैं, छोले टिक्किया ये आलू टिक्की।